हेलो, हेलो जेबू, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। वहाँ तो इस वक्त रात हो रही होगी हाँ, बहुत रात हो गई है मगर नींद नहीं आ रही। खबर ही ऐसी मिली है। ना? मुझे अंदाजा है आरिज, मगर तुम फिक्र ना करो। फवाद का इलाज हो रहा है और हम सब भी उसका ख्याल रख रहे हैं। डॉक्टर्स ने भी यही कहा है कि वो जल्द ठीक हो जाएगा। मैंने अबू से कहा है कि उसके इलाज में कोई कसर ना छोड़े। मैं यहाँ से पैसे भेजता रहूँगा और ज़रूरत पड़ी तो उसको अमेरिका भी बुला लूँगा। मैं भाई के लिए मैं कुछ भी कर सकूँ। अब तो यहाँ के हॉस्पिटल्स में सारी ट्रीटमेंट होती है। तुम फिक्र ना करो आरिस। कैसे फिक्र ना करूँ? फवाद मेरा छोटा भाई है जेब, और मैं परदेश बैठा हूँ। मुझसे जो कुछ भी हो सकेगा मैं करूँगा। तुम फवाद का ख्याल रखना। ये कोई कहने की बात है? देखना, जब तुम वापस आओगे तो सब कुछ बदल चुका होगा और फवाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऐसा हो तो कितना अच्छा हो। इंसान को उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उम्मीद ही तो ताकत है। तुमसे बात करके मुझे बहुत तसल्ली मिली है सिर्फ, वरना यहां पर देश में मैं किसी के साथ अपना दुख भी नहीं बांट सकता। मैं हूं ना तुम्हारे सारे दुख सुख बांटने के लिए। इसीलिए तो तुम्हें इतनी दूर से फोन करता, क्योंकि तुम मेरी हो। हाँ, मैं तुम्हारी हूँ। मुझे यकीन है।